लॉकडाउन के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने मोटर व्हीकल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम को जमा करने की समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रीमियम चुकाने की आखिरी तारीख 15 मई तक बढ़ाई गई है। अब 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के भीतर जमा कराने वाला प्रीमियम 15 मई तक जमा किए जा सकेंगे। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। सरकार ने पहले 21 अप्रैल तक प्रीमियम जमा करने की सुविधा दी थी। ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी लागू था जिन्हें 25 मार्च से 14 अप्रैल तक प्रीमियम जमा करना था, वो अब 21 अप्रैल तक प्रीमियम जमा कर सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा के मामले में पॉलिसी धारक को आमतौर पर रिन्यूअल प्रीमियम का भुगतान करने के लिए 1 महीने का समय मिलता है। इस अवधि में प्रीमियम का भुगतान करके पॉलिसी को रिन्यू कराया जा सकता है, लेकिन उस समय पॉलिसी धारक कवर नहीं होते हैं। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के लिए अगर ग्राहक इसे समय रहते रिन्यू नहीं करा पाता है तो कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति बिना थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के गाड़ी चलाता है तो उससे 2,000 रुपए का जुर्माना वसूला जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146 के अनुसार सड़कों पर वाहन चलाने के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC ने अपने अंशदाताओं को अपनी किस्त जमा कराने के लिए लेकर राहत दी है। इसके तहत ESIC ने फरवरी महीने के लिए अंशदान जमा कराने की समय सीमा को 15 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले से जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 अप्रैल किया गया था। श्रम मंत्रालय ने कहा कि कई कंपनियां या इकाइयां अस्थायी रूप से बंद हैं। वहीं लॉकडाउन के चलते श्रमिकों के लिए भी काम पर जाना मुश्किल है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं कोरोना वायरस के देश में बढ़ते प्रकोप के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। चीन के गुआंगझाओ से 6.5 लाख टेस्ट किट लेकर विशेष विमान दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। इनमें 5.5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट हैं। रैपिड किट से जांच करने में सिर्फ 15 मिनट में मरीज के संक्रमित होने का पता लगाया जा सकेगा। ये जांच खून की बूंद से की जाती है। देश में अभी की जा रही RT-PCR जांच में गले या नाक से स्वाब लिया जाता है। इसमें रिपोर्ट आने में कम से कम 5 घंटे लगते हैं। हालांकि रैपिड टेस्ट में एक कमी है। दरअसल शरीर में अगर कोरोना वायरस है लेकिन उस पर एंटीबॉडीज ने असर नहीं डाला तो रैपिड टेस्ट नेगेटिव आता है, यानी वायरस की मौजूदगी है लेकिन पता नहीं चलेगा। ऐसे में उस व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण बाद में उभर सकते हैं और तब तक वह दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। इससे उलट RT-PCR टेस्ट में नतीजे बिल्कुल सटीक आते हैं। दूसरी तरफ देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,668 हो गई है। गुरुवार को महाराष्ट्र में 165, गुजरात में 105, मध्य प्रदेश में 42, राजस्थान में 25, उत्तर प्रदेश में 19 और पश्चिम बंगाल में 18 मरीज मिले। बुधवार को 882 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ये सभी आंकड़े covidindia19.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार हैं।